हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस क्लास 12 के। तो आइए देखते हैं क्लास 12 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.6 में आज हमें क्या पढ़ना है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, आज हम लोग एक नया डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे ऐसे फंक्शन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। अब है कि पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या, तो समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो न एक्सप्लिसिट फंक्शन है न इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे सपोज कीजिए, अगर एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ टी और वाई इक्वल टू कोई फंक्शन है जी टी, दो फंक्शन है, एक है एक्स और टी में, दूसरा है वाई और टी में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक्स और वाई के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, एक्स और वाई में कोई ये जो है कोई संबंध ही नहीं है। एक्स टी के साथ एक अलग फंक्शन है और वाई भी है जो है वह टी के साथ एक अलग फंक्शन है। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। तो अब इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक तीसरा वेरिएबल है इसमें टी, जो तीसरे वेरिएबल का संबंध एक्स से भी है और तीसरे वेरिएबल टी का संबंध वाई से भी है, इसको हम कहेंगे पैरामीटर। टी को क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। तो अब हम एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सपोज कीजिए हम यहाँ से अगर निकालते हैं तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, लेकिन हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसी स्थिति में अभी इस दोनों को हम एक साथ रिलेट करते हैं, जैसे डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अगुना डी टी बाई डी एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब लिखेंगे डी वाई बाई दूसरा जो रहेगा पैरामीटर वह टी है तो टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो कहीं कहीं हर जगह टी ही नहीं मिलेगा, कहीं थीटा मिलेगा, कहीं टी मिलेगा, कहीं अल्फा गामा कुछ भी मिल सकता है। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 में क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे है, हाजिर है। देखिए कह रहा है कि गिवन एक्स इक्वल टू 2at² देखिए आ गया और वाई इक्वल टू at⁴ है। ये अलग फंक्शन, ये व टी में अलग फंक्शन। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो गिवन है एक्स इक्वल टू 2at², तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a और टी स्क्वायर का 2t यानी 4at। इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, a इंटू 4t³। अब देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी टी, अभी हम निकाले हुए हैं 4at³ और डिवाइडेड बाई 4at²। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, तो ये वो टी बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है ये, हम लोगों को बहुत इसमें परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का है उसको याद रखना है और ख़ास करके ट्रिगोनमेट्री, तो सारे कैलकुलस की जान है, ट्रिगोनमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं उन सबको याद रखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 कंप्लीट हो गया, 2 क्या कहता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा, अब यहाँ टी था यहाँ थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ए कॉस थीटा। अब माइनस कहाँ से आ गया, ये देखिए ए को तो उतार दिए, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, ए माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बगल में कर दिए। उसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। ये वाई डी वाई बाई डी थीटा हो गया, बी को उतारे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बगल में लिख दिए। अब देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है,
dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, बी बाई ए, एंड दैट्स इज योर आंसर. तो ये शुरुआत के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए. हम लेके आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन. आधा बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री है बोर्ड पर, एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू कॉस टी. तो इसको भी हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट. तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी. तो बहुत सिंपल है, साइन टी का हो जाता है कॉस टी, उसी तरह से डी वाई बाई डी टी कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो साइन टू टी, टू टी है तो टू टी. अब देखिए यहाँ टू टी है तो टू टी का निकालेंगे तो टू हो जाएगा, इसलिए बगल में टू टी लिख दीजिए. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. तो डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाई कॉस टी. अब यहाँ काट कूट नहीं करना, यहाँ कॉस टी है, यहाँ साइन टू टी है. तो हम लोग जानते हैं साइन टू टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस टू इंटू, अब साइन टू टी को टू साइन टी कॉस टी. एक फार्मूला था, कई बार हम लोगों ने बता चुके हैं कि साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे और डिवाइडेड बाई कॉस टी. तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, टू टू जा माइनस फोर साइन टी. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, यहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट. तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू फोर, ये डी एक्स बाई डी टी फोर कॉन्स्टेंट है टी का वन, और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वन बाई टी का माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तब फोर बाई टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस लग जाएगा. देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. तो डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस फोर बाई टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई फोर, तो फोर नीचे ही रह जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस वन, नीचे बचेगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर. तो है ना बहुत आसान, फटाफट नोट कर लीजिए और बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ, सारे परेशानी आपके गणित के सोल्व हो जाएंगे. और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जल्दी से लाल वाला जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में घंटी का निशान होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो जब भी डाला जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है. तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का साइज बढ़ रहा है, उससे चिंता करने की बात नहीं है. यहाँ x इक्वल टू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ y इक्वल टू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा. तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक थीटा वी गेट. हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के. तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा का माइनस sin थीटा, यहाँ भी cos 2 थीटा है तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा का हो गया 2. उसी तरह से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का cos थीटा माइनस cos थीटा का साइन थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2. अब therefore dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा. यानी कहने का मतलब इसको हम इससे डिवाइड करें और कुछ नहीं करें. तो अब डी वाई बाई डी थीटा कितना है, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई, इसको बदल लीजिए, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा कर दीजिए, हो गया आपका आंसर कंप्लीट हो गया. अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है.
तो इस तरह से आप काम कीजिए फटाफट एकदम, बिल्कुल सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं और डिफरेंशिएशन के जितने रूल्स हैं वे सब आते हैं, उसको लगा देना है। केवल ये फॉर्म दूसरा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, यानी दो अलग अलग आपका दिया हुआ है, एक अलग फंक्शन एक अलग फंक्शन, दोनों फंक्शन को तीसरे जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है, आंसर निकल जा रहा है। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, इवन यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ वाई का निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, 1 का हो गया 0 हटाइए, साइन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा यानी माइनस ए साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये है आपका माइनस ए साइन थीटा बटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल कर दीजिए। अब बचा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा को बदलिए, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सारे फार्मूला याद रहेंगे ट्रिगोनमेट्री के तो काम हमारा आसान होगा, क्योंकि ट्रिगोनमेट्री ऐसा चीज़ है ट्रिगोनमेट्री कि उसका यूज़ कैलकुलस के हर मोड़ पे है। अब देखिए यहाँ इसका यूज कर लिए हम लोग, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 और माइनस तो बचा हुआ है, इसका मतलब हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2 एंड दैट्स इज योर आंसर। इस तरह से आप काम कीजिए, कैलकुलस के आप पूरा गणित 12 का आपको बहुत आसान लगेगा और सारे क्वेश्चंस बनेंगे और एग्ज़ाम अच्छा आपका जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।